जब से इसराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है, लेबनान बॉर्डर पर भी फ्रंट खुल चुका है और लेबनान और इसराइल दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार हो रहे हैं, लगातार फायरिंग हो रही है। इसराइली फायरिंग में हिजबुल्ला को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है और यही बड़ी खबर है, जहां इसराइल के खिलाफ युद्ध में हिजबुल्ला को बड़ा नुकसान पहुंचा है और IDF ने अब तक मार गिराए हैं हिजबुल्ला के 50 लड़ाके। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में हिजबुल्ला जुटा हुआ है, ये सोर्सेस के हवाले से भी दावे किए जा रहे हैं और लेबनान को लगता है कि लंबा चल सकता है ये युद्ध। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि इसराइल के एक्शन से हिजबुल्ला में क्या वाकई अब टेंशन बढ़ती जा रही है। अब कुछ आंकड़े भी आपके सामने होंगे, जहां 2006 के बाद मरने वाले लड़ाकों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जा रही है। हालांकि इसराइली हमलों से हिजबुल्ला के लड़ाकों में दहशत का माहौल है और इसराइली हमले अगर जारी रहे तो संगठन में बगावत की भी बात कही जा रही है। दो और महत्वपूर्ण बातें इसके बाद आपके सामने रखूंगी और उस पर करूंगी चर्चा, क्योंकि हिजबुल्ला में बढ़ती इस टेंशन के बीच ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसराइल के इस एक्शन को देखते हुए किस तरीके से इस फ्रंट पर खात्मा करने की ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि लेबनान पर दबाव बढ़ा तो हिजबुल्ला की दिक्कत वाकई बढ़ सकती है और मरने वालों की संख्या बढ़ती रही तो हिजबुल्ला खत्म हो सकता है। शरदेंदु सर, अब इस फ्रंट पर आपको क्या लग रहा है, हिजबुल्ला के खात्मे की भी क्या इसराइल कसम खा चुका है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि हिजबुल्ला भी और ईरान के बलबूते ही ताकत के साथ वार कर रहा है और उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि उसके पास भी एक पूरी वॉर स्ट्रैटेजी है जिसके बलबूते वो इसराइल का घेराव किया। देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। अगर हमास का टेम्पलेट आपने हिजबुल्ला पे लगाया तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमास के एक रिस्ट्रिक्शन था गाजा पट्टी, आपने उसको सीज कर दिया, उसको सारे तरीके से सप्लाई काट दी और आपने इम्प्यूनिटी के साथ एयर स्ट्राइक किया और जिस तरीके से तबाही नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी में हो रही वो सबके सामने है। हिजबुल्ला पर यह टेम्पलेट नहीं लागू होता है। हिजबुल्ला देखिए टोटली फंडेड सपोर्टेड बाई ईरान है और उसके सारे बॉर्डर खुले हुए हैं, उसने जो एरिया पकड़ रखा है। इसराइल की इसमें तारीफ करनी पड़ेगी कि वो बैटल लिमिटेड तरीके से वहाँ लड़ रहा है, उसको फुल फ्लेजेड एक्सकलेट नहीं होने दिया, क्योंकि उसको अंदेशा है कि लेबनान और सीरिया कहीं पूरी तरीके से युद्ध में आ गए तो उसका जो मकसद है हमास को ख़त्म करना और गाजा पट्टी से हमास को पूरी तरीके से नेस्तनाबूत करना वो कहीं कंप्रोमाइज़ होता है। लिहाजा वो बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से हिजबुल्ला पर अटैक कर रहा है, सीरिया पर अटैक कर रहा है और ये इंश्योर कर रहा है कि एस्केलेट ना हो। साथ में अमेरिका उसकी पूरी तरीके से मदद में है और ये दिखाता है कि सीरिया और लेबनान, ईरान, इराक और मिस्र इस युद्ध में ना पड़े, और इसीलिए देखिए ईरान भी इस युद्ध में खुल के सामने नहीं आया। आज की डेट में यह कहा जा रहा था जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होंगे तो बहुत सारे स्टेट एक्टर इसमें एंट्री हो सकती है, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा हो गए कोई स्टेट एक्टर नहीं आया। हमास अपने आप में युद्ध लड़ रहा है, हिजबुल्ला के आइसोलेटेड अटैक है। लेकिन इस युद्ध का 25वां दिन है सर और उसी के आधार पर यह बात मैं आपसे आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग ठिकानों पर IDF हमले में कामयाब हो चुका है।